भारत में एक मुहिम चल रही है देसी अपनाने की, आत्मनिर्भर बनने की, लोकल ब्रांड्स खरीदने की, वोकल फॉर लोकल की। हम सभी को भी एकजुट होकर इसमें योगदान देना चाहिए और देसी ब्रांड्स को ही अपनाना चाहिए। कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो हमारी ज़िंदगी में इस तरह बस गए हैं कि हमें वो अपने ही लगते हैं, लेकिन असलियत में वो फॉरेन ब्रांड्स हैं जो हमें देसी बनकर बेवकूफ़ बना रहे हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ ब्रांड्स के बारे में जो हैं तो विदेशी लेकिन लगते हैं बिल्कुल देसी। Everything you should know। नंबर 10, बाटा कंपनी अपने शूज के लिए वर्ल्ड वाइड फेमस है। नाम से आपको लगता होगा कि ये इंडियन ब्रांड है, बट आप गलत सोच रहे हैं। बाटा कंपनी की शुरुआत 24 अगस्त 1894 में चेक रिपब्लिक में थॉमस बाटा फैमिली ने की थी। वर्ल्ड वॉर टू के बाद इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में बनाया गया। बाटा ने 1931 में इंडिया में बाटा इंडिया नाम से बिजनेस स्टार्ट किया और अपनी पहली कंपनी 1932 में कोलकाता में स्टार्ट की। इस वक्त बाटा के 70 कंट्रीज़ में 5300 शॉप्स हैं और 18 देशों में बाटा का प्रोडक्शन होता है। नंबर 9, अपने बच्चों के हेल्थ के लिए मिल्क पाउडर कैटेगरी में इंडिया की हर मॉम की पहली पसंद हॉर्लिक्स ही होती है। हॉर्लिक्स की शुरुआत 1925 में जेम्स और विलियम हॉर्लिक ने यूनाइटेड स्टेट्स में की थी। वर्ल्ड वॉर वन के बाद ब्रिटिश इंडियन आर्मी इस ड्रिंक को अपने साथ इंडिया ले आई थी। 1940 में ये ड्रिंक रिच फैमिलीज में बहुत यूज़ होने लगा था। 2018 से पहले हॉर्लिक्स के मैन्युफैक्चरर ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन थे जो यूके बेस्ड कंपनी थी। 3 दिसंबर 2018 को ब्रिटिश कंपनी यूनिलीवर ने इसे $3.8 बिलियन में खरीद लिया था। नंबर 8, विम एक क्लीनिंग प्रोडक्ट है जो इंडिया के घरों में बहुत यूज़ होता है। विम एक इंग्लिश वर्ड है जिसका हिंदी मतलब होता है शक्ति। विम कंपनी को लीवर ब्रदर्स द्वारा 1904 में इंग्लैंड में स्टार्ट किया गया था। बाद में विम ब्रांड को यूरोपियन मल्टीनेशनल कंपनी स्पॉटलेस ग्रुप ने खरीद लिया। नंबर 7, कोलगेट। टूथपेस्ट कैटेगरी में कोलगेट इंडिया में टॉप लिस्ट में है। कोलगेट की शुरुआत 1873 में विलियम कोलगेट ने न्यूयॉर्क में की थी। 1957 में कोलगेट ने डोमेस्टिक मार्केट के लिए इंडिया में अपनी फर्स्ट टूथपेस्ट फैक्ट्री ओपन की थी। इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। कोलगेट टूथपेस्ट के अलावा टूथब्रश, माउथ वॉश के लिए भी बहुत फेमस है। नंबर 6, ऑल टाइम इंडियंस फेवरेट कोल्ड ड्रिंक माजा। इसका सिर्फ नाम इंडियन जैसा लग रहा है, बट ये भी फॉरेन ब्रांड है। इस मैंगो फ्लेवर कोल्ड ड्रिंक की शुरुआत 1976 में यूएई में यूनियन बेवरेज फैक्ट्री ने की थी। 1976 से माजा कोल्ड ड्रिंक्स के मार्केट में है। माजा को कोका कोला इंडिया ने 1993 में एक्वायर कर लिया था। और आपको शायद पता ही होगा कि कोका कोला भी यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड कंपनी है। नंबर 5, अरमानी। फैशन इंडस्ट्री में अरमानी का बहुत नाम है। अरमानी ने इंडिया में अपना पहला स्टोर अक्टूबर 2016 में दिल्ली में ओपन किया था, बट ये इंडियन ब्रांड नहीं है। अरमानी एक इटालियन ब्रांड है जिसकी स्थापना जॉर्जियो अरमानी ने 1975 में इटली में की थी। नंबर 4, वेस्पा स्कूटर अपने बेहतरीन लुक और डिज़ाइन के लिए बहुत फेमस है। वेस्पा इटली के पियाजियो कंपनी का है। वेस्पा की शुरुआत 1946 में इटली में हुई थी। इंडिया में वेस्पा ने 1960 में बजाज के साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन एग्रीमेंट ख़त्म होने के बाद ये अकेले ही मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स लाने लगा, जिस वजह से वेस्पा भी इटालियन ब्रांड है। नंबर 3, वाह ताज। ये टैगलाइन तो आपने सुनी ही होगी। ये टैगलाइन है ताजमहल टी की। अपनी टी से पूरे इंडिया को दीवाना बनाने वाला ताजमहल टी भी इंडियन ब्रांड नहीं है। इसके सिर्फ नाम में इंडिया की शान ताजमहल है, बट रियल में ये फॉरेन ब्रांड है। ये यूनाइटेड किंगडम के ब्रांड ब्रूक बॉन्ड का प्रोडक्ट है। ब्रूक बॉन्ड ने 1966 में ताजमहल टी नाम से अपना प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च किया था। नंबर 2, किसान केचप पहले सिर्फ इंडिया में रह रहे अंग्रेज़ों के लिए बनाया जाता था, बट इसके अच्छे टेस्ट के चलते 1935 में इसे इंडियन मार्केट में भी उतारा गया। उस वक्त इसके अधिकार मिचेल ब्रॉस के पास थे। फिर 1950 में इंडिया के यूबी ग्रुप के वित्तल मालिया ने इसे मिचेल ब्रॉस से एक्वायर कर लिया। फिर ये इंडियन ब्रांड बन गया, बट 1993 में यूनिलीवर ने इसे यूबी ग्रुप से खरीद लिया। अब ये टोटली फॉरेन ब्रांड है। नंबर 1, गोडांग गरम। सिगरेट के शौकीन इस ब्रांड के सिगरेट को अच्छी तरह से पहचानते होंगे, या शायद आपने भी सिगरेट का नाम सुना ही होगा। कुछ लोग इसे गोदांग गरम भी बोलते हैं। गोदांग गरम सिगरेट में तंबाकू, लौंग और अदर फ्लेवर्स का मिक्सचर्स होता है, जिस वजह से ये सिगरेट अपने मसालेदार फ्लेवर्स के लिए भी जानी जाती है। इंडिया में ये सिगरेट बहुत फेमस है, बट नाम की वजह से आपको शायद ये इंडियन ब्रांड लग रहा होगा, बट ये भी फॉरेन ब्रांड है।
गुदांग गरम एक इंडोनेशियन सिगरेट कंपनी है जिसे सूर्या बोनो विदिजो ने 26 जून 1958 में इंडोनेशिया में स्टार्ट किया था। सो गाइज, ये थे कुछ ऐसे ब्रांड्स जो देसी बनकर इंडिया में कारोबार कर रहे हैं। अब आप भी लोकल अपनाइए और देश को आगे बढ़ाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।